एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये कहावत सटीक बैठती है राजनेताओं पर भी। वो राजनेता जो अपनी पार्टी में रह करके और चुनाव के दौरान में अपनी पार्टियों के साथ बगावत करते हैं, भीतरघात करते हैं, बात कोई दोस्तों छुपती नहीं है और बात वो निकल कर सामने आती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के कुछ ऐसे नेताओं की कि जो इस समय चर्चा में हैं। हरियाणा के ऐसे कई नेता जो इस समय चर्चा में हैं, किन्हीं की चर्चा प्रत्यक्ष है तो किन्हीं की चर्चा परोक्ष है, और मैं भी आपसे बात करूंगा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लूं हरियाणा के सोनीपत लोकसभा की गन्नौर विधानसभा की विधायक, गन्नौर की विधायक निर्मला चौधरी, जिनके पति सुरेंद्र सिंह के एक नहीं दो दो ऑडियो वायरल हुए, उनकी कॉल रिकॉर्ड हुई और दो दो वायरल हुए, जिसके अंदर वो एक में तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक है निर्मला चौधरी, और उनके पति सुरेंद्र कह रहे हैं एक वीडियो में तो ये कह रहे हैं कि लाठी दो बीजेपी को, सतपाल ब्रह्मचारी को जिताकर भेजना है, और दूसरे वीडियो में कह रहे हैं कि अपने हलके से गन्नौर से 15,000 की लीड निकल जाए तो फिर उसके बाद में हुड्डा से बात हो गई है, हमारी टिकट हो जाएगी, यही बात हो सकती है। आप इन वीडियोस को सुनिए, हालांकि हम इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करते, इन ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते कि क्या वो वाकई सुरेंद्र सिंह हैं या कोई और हैं, लेकिन ये वायरल हो रहा है और सुरेंद्र सिंह या उनकी धर्मपत्नी निर्मला की इस पर कोई सफाई नहीं आई। क्या हाल है भाई संदीप? सुरेंद्र चौधरी बोल रहे हूँ। सुरेंद्र चौधरी मेरे भाई, तू बोल गया, हम तो ना तेरे पिताजी गुजरे जी, तू सिलेंडर वलेंडर नहीं लेकर था ऑक्सीजन के? हाँ जी बाबू जी, हाँ आ गई ध्यान, तेरे पास स्कॉर्पियो है ना? नहीं जी, स्कॉर्पियो तो सेल कर दी मैंने। अब कौन सी ले ली? अब तो टूर ट्रैवलर है 12 से। अच्छा, और गांव में क्या हालात है पार्टी के? अच्छे है जी। हेलो, हाँ अच्छे है जी। अच्छे किसके? बीजेपी ने छोड़ मार गोली सुसरी का बीजेपी का। खट्टर ने कुछ ना करया, तू ब्रह्मचारी की तरफ खुल जा, हमारी हुड्डा से बात होगी। ठीक है जी। आगे इलेक्शन लड़े गांव में रुका मार दे, कती जो है चमार भी आ रहे, चमारा मैसेज दे दिया अपने, तो हमने मैसेज कर दिया। ठीक है जी। और कम कर दो है? ठीक है जी बाबू। राजेश को भी कह दिए, राजवीर को भी कह दिए, पर इन सरदारा जो बुड्ढा मर गया उसके पोते थे, कह दिए और कम कह दिए। ठीक है जी, चमार थारे साथ है, ब्रह्मचारी की खुल के कर दो, जहाँ भी है फोन कर दो पूरे हल्के में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी बाबू। हाँ जहाँ भी एक बार निर्मल का आदमी जो है सारा जो है ब्रह्मचारी के जा रहे, हम सारे काम में मैसेज कर चुके ए टू जेड। ठीक है, इन तो हम देख रहे हैं हमारा जो फोन में रह रहा आदमी उसको और कर रहे हैं, जब तू रहता था याद आ गई तो मगर तेरे को देते हैं। ना बाबू जी, ठीक है भाई है, और आगे को काम हो बता दिए। बस 4 महीने साला इस्तीफा दिया ना, मगर काम तो कराओगे सरकार में है तो। हाँ ठीक है जी, आगे तो 4 महीने बाद है इलेक्शन। ठीक है जी। तो आपने सुना इसके अंदर कि वो सुरेंद्र सिंह कह रहे थे, बड़ी बात है दोस्तों। एक तो ये कि उस गन्नौर से जहां की टिकट के लिए अगर वो सुरेंद्र सिंह निर्मला चौधरी के पति बात कर रहे थे, तो आखिर कैसे हुड्डा साहब से बात बन सकती है? वहां तो कुलदीप शर्मा पहले से बैठे हुए हैं, और कुलदीप शर्मा कितने नजदीक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, आप इसको समझ सकते हैं कितने नजदीक हैं। पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे हैं, चिरंजी लाल शर्मा 4 बार के सांसद थे, कुलदीप शर्मा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे चाणक्य को भी टिकट दिलवाना चाहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बात नहीं बन पाई थी। उन कुलदीप शर्मा के होते हुए आखिर निर्मल चौधरी की एंट्री कैसे हो सकती है? मेरी समझ से तो परे है, अगर आपको समझ आता हो तो आप बता दीजिए। और दूसरी बात ये कि निर्मल चौधरी जी के इलाके में गन्नौर में मोहनलाल बड़ौली चुनाव जीत कर निकले, जब इतना ही उनको पता था, अगर या तो उनको अपने ऊपर इतना विश्वास हो कि हम जो कर रहे हैं वो करके मान जाएंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र में जिन गांवों में वो फोन कर रहे थे वहां पर मोहनलाल बड़ौली आगे रहे। अब उसके बाद में और बहुत सारे नाम हैं, कई जिलाध्यक्षों पर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, खुद मनोहर लाल ने खुद बोला कि भाई पार्टी के अंदर बहुत सारी काली भेड़े हैं जिन्होंने नुकसान किया, बहुत सारी काली भेड़े हैं। उसके बाद चाहे खुद मनोहर लाल जी का एरिया देख लें, वो जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे वहां के बारे में बात आई,
कि वहां भी कोई काली भेड़ थी। अगर आप करनाल से आगे चलें तो कुरुक्षेत्र के अंदर ये बात निकल कर सामने आई कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी कुछ लोग थे जिन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट हारे और वो चुनाव जीते, वहां पर तो खासकर चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा कलायत की भी है, कमलेश ढांडा वहां की विधायक है, मंत्री रही थी, अब तो नहीं है मंत्री आजकल, कलायत में पीछे रह गए थे, नवीन जिंदल पीछे रह गए थे। चर्चा तो फरीदाबाद की भी है, फरीदाबाद के कई विधायकों के बारे में और कई पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और कांग्रेस के अंदर भी दबे कुचले स्वर में आवाज़ निकल रही है कि अमुक अमुक नेता बगावती थे। अब वो नेता खुद अपने अंदर झांक कर देख लें कि किन के बारे में बात हो रही थी। लेकिन फरीदाबाद की बात भी थी, बात तो गुरुग्राम की भी थी। गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कितने लोग थे आप खुद समझ सकते हैं, कितना कितना काम किया लोगों ने, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों थे। और राव इंद्रजीत सिंह ने तो चुनाव के दौरान अपने एक बाइट में दिए, जो बाइट दी उसके अंदर बता भी दिया कि विधानसभा चुनाव में देखेंगे और मजबूती करेंगे। अब आगे आप चलें तो फिर वो कौन सा संसदीय क्षेत्र आप मान सकते हैं कि जहां बगावती नहीं थे? अशोक तंवर ने शिकायत की, रंजीत सिंह चौटाला ने शिकायत की, तमाम नेताओं ने शिकायतें भेजी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के और चाहे वो फिर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। राज बब्बर भले ही शिकायत ना करें लेकिन कैप्टन अजय यादव की बेरुखी तो उनको बहुत साली होगी। महेंद्र प्रताप भले ही शिकायत ना करें लेकिन अंदर अंदर तो वो भी जानते हैं और शिकायत तो वो जरूर भेज रहे होंगे। अगर आगे आप चलें तो भले ही जेपी शिकायत ना करें लेकिन जेपी का कितना साथ दिया कांग्रेस के लोगों ने वो जेपी को भी पता है। भले ही कुमारी शैलजा ये कह रही है कि सब लोग साथ थे लेकिन एक गुट तो उनके भी खिलाफ वहां जरूर था। बड़ी बात यह कि आखिर जो मैंने आपसे कहा था कि ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, हम जब इस प्रकार की रहती है स्थिति और जो लोग पार्टी में रह करके किसी भी संगठन के अंदर हैं अगर उसी के अंदर मट्ठा डालते हैं, कहा जाता है कि जिस पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं उस पेड़ की जड़ों में मट्ठा डालना, अगर आप जिस पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं और उसी की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं तो अंतोगत्वा आप नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति के अंदर किसी को तो ये टिकट चिंता होती है कि मेरी टिकट क्यों कट गई, जिनको टिकट नहीं मिलता, और फिर दूसरे लोग वो होते हैं जिनको भविष्य की चिंता होती है। किसी को ये होता है कि इसने मेरी मरोड़ निकाली थी, इसने मेरी कांच काढ़ी थी, मैं इसकी कांच काढ़ दूँ, इसकी मरोड़ निकाल दूँ मैं। कोई कांटे निकालता रहता है, हरियाणा में कांटे निकालने की बात तो बड़ी पुरानी है, हरियाणा में कांटे तो बहुत निकाले जाते हैं। दोस्तों इस चुनाव के अंदर कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी पार्टी में रह करके कांच काढ़ी, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सिरसा, करनाल, अंबाला, कितने लोग कौन सी पार्टी में थे जिन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया, जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।